दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड की ओर से वस्तानिया और फौकानिया मौलवी का 2020-2021 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे आपको किस तरह ऑनलाइन आप वस्तानिया के लिए एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं मदरसा में, तो उसी के बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी चीज वस्तानिया के बारे में बताया हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फौकानिया, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मौलवी के बारे में बताऊंगा कि 2021 सेशन के लिए किस तरह आप एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन किसी भी मदरसा में। तो चलिए, हाय गाइस, मैं हूँ जीशान अलीपुर, आप देख रहे हैं जीशान मॉनिटर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दिया हूँ, तो आप मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे आप इस मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे क्लास के बारे में कुछ बताया गया है। जिस तरह मैट्रिक में बिहार बोर्ड से बात करें, 9th-10th क्लास को मैट्रिक कहा जाता है, 11th-12th को इंटर कहा जाता है। तो उसी तरह क्लास 1 से लेकर क्लास 5 को अगर मदरसा बोर्ड की तरफ से जाने तो मदरसा बोर्ड को इसको तानिया कहते हैं, और क्लास 6 से 8 तक को इसको वस्तानिया कहते हैं, क्लास 9th-10th को फौकानिया और 11th-12th को मौलवी के इससे आगे आलिम वगैरह होते हैं। और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन फीस दी गई, वस्तानिया के लिए 550 रुपये, फौकानिया के लिए 750 और मौलवी के लिए 850। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में बताएंगे वस्तानिया का आवेदन किस तरह, मतलब एडमिशन के लिए किस तरह अप्लाई करते हैं। उसके लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन 2021, जिस पर आपको क्लिक करेंगे उसके बाद न्यू टैब में आपको ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पूछा अप्लाई किसके लिए कर रहे, वस्तानिया के लिए, फौकानिया के लिए, मौलवी के लिए। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक वस्तानिया, वस्तानिया को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं मदरसा को सिलेक्ट करेंगे, वो मदरसा जिस मदरसा के मदरसा में, जिस जिला के मदरसा में आप अपना एडमिशन वस्तानिया में कराना चाहते हैं, आपको वो जिला सेलेक्ट करना होगा जिस जिला के मदरसा में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसी हिसाब से यहाँ पे आपको मदरसा का नाम, तो यहाँ पे आपको मदरसा देना होगा जिस मदरसा में वस्तानिया से आप एडमिशन लेना चाहते हो, उस मदरसा का नाम आपको देना होगा। तो याद रखेंगे, अगर मदरसा का नाम एक अक्षर भी अगर आप गलत देंगे तो वो नहीं आएगा। तो याद रखें, जो मदरसा का नाम सेम देंगे तभी आपको यहाँ पे सर्च करेगा, तभी आपको आपका मदरसा का लिस्ट जो वो यहाँ पे शो करेगा। जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे पूर्णिया भी आ रहा है, बांका भी आ रहा है, कटिहार भी, सभी जिला का आएगा। लेकिन आपको जो मदरसा का नाम है वो मदरसा का नाम आपको सही से भरना होगा। अगर मदरसा का नाम आप सही से नहीं भर पाते हैं, स्पेलिंग सही से देंगे तभी ये मदरसा शो करेगा, अगर नहीं तो ये आपका मदरसा जो है वो शो नहीं करेगा। ठीक है, तो मदरसा को सेलेक्ट करेंगे, मदरसा सेलेक्ट करेंगे, 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपका डिटेल सही है तो ओके करेंगे, अगर कुछ गलत है तो चेंज करने के लिए कैंसिल पे क्लिक करेंगे। चलिए ओके पे क्लिक कर, उसके बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम देना होगा, कैंडिडेट का लास्ट नेम, मतलब स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ देना होगा, मंथ, डे, मंथ, ईयर। उसके बाद यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम देंगे, मदर्स नेम देंगे, फादर्स फुल नेम, मदर्स फुल नेम। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना होगा, अपना पिन कोड देना होगा, और यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर देना होगा और एक ईमेल आईडी देना होगा। साथ साथ यहाँ पे रिलीजन आपको पूछ रहा है किस धर्म के हैं, हिंदू, मुस्लिम, जिस भी धर्म के हैं, तो मुस्लिम है तो इस्लाम को सिलेक्ट करेंगे। और कास्ट यहाँ आपको पूछा गया कौन से कास्ट से आते हैं, जनरल, वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद पूछ रहे कि आप विकलांग वगैरह, अगर विकलांग है तो किस कैटेगरी के विकलांग, वो सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पे नौ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी आपको पूछ रहा है रेगुलर, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट दिनियात पेपर, यानी कि अगर आप सुन्नी है तो दिनियात सुन्नी सेलेक्ट करेंगे, अगर आप सिया हैं तो दिनियात सिया को सेलेक्ट करेंगे। चलिए सुन्नी को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, 7 नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। याद रखेंगे ईमेल आईडी जो देंगे तो ईमेल आईडी आपको सभी स्मॉल में फिलअप करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड सचिव फोटो अपलोड करनी होगी, साथ साथ आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। फोटो की साइज 100 KB होनी चाहिए और सिग्नेचर की साइज यहाँ पे 60 KB। तो यहाँ फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, फोटो सिग्नेचर सिग्नेचर अपलोड करने के बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूरी चीज़ यहाँ पे आपको पूरी डिटेल आ जाएंगे। यहाँ पेमेंट फी स्ट्रक्चर भी देगा, 550 रुपये आपको फी देना होगा। इसे आप प्रिंट भी करके रख सकते हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट करके पहले सेव कर लेंगे या प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फी थ्रू ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और आपको पेमेंट करना होगा। जैसे आप पे क्लिक करेंगे ये आपको पेमेंट गेटवे पे कन्वर्ट कर देगा और यहाँ आपका नाम वगैरह कितना फी लगेगा वो दिखेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे डेबिट कार्ड, रुपये, नेट बैंकिंग, जिससे पेमेंट करना चाहे पेमेंट कर सकते हैं। या नेट बैंकिंग करेंगे, नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करेंगे कौन से बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग का बहुत सारे बैंक है, तो इस नेट बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बैंक नहीं है, तो इसे हम चेंज करेंगे, चेंज मोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ हम UPI से पेमेंट करेंगे और यहाँ पर UPI ID देंगे।
या अगर डेबिट कार्ड से करेंगे तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डेबिट कार्ड का नंबर, डेबिट कार्ड पे क्या नाम है वो देंगे, एक्सपायरी दे देंगे और सीवी नंबर देंगे। उसके बाद आपको पेमेंट कर देना होगा। उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको एक रसीद निकलेगा। पेमेंट करने के बाद आपको एक रसीद मिलेगा, ठीक है। वो पेमेंट रसीद और जो पीछे आपने पेमेंट जो आपका जानकारी था जिसको आपने प्रिंट किया था वो प्रिंट, दोनों को आपको अपने जो भी आप मदरसा सेलेक्ट किए उसमें आपको सबमिट कर देना होगा। जब आप मदरसा में सबमिट कर देंगे अपना डॉक्यूमेंट, ये पेमेंट स्लिप और आपका जो फॉर्म फिलअप था वो स्लिप और साथ साथ डॉक्यूमेंट आपको लगा के अपने मदरसा में सबमिट कर देना, उसके बाद आपका ये ऑनलाइन प्रक्रिया पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप वस्तानिया में एडमिशन इस तरह से ले सकते हैं।